फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आज मंगलवार है और अभी 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ डिनर। और एक वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी को पीनट गार्लिक चटनी कैसे बनाते हैं, तो वो मैं बताऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मूँगफली को मतलब मूंगफली के जो दाने हैं उसको अच्छे से भून लेना है तवे पे। और इसको भूनने के बाद इसका छिलका बिल्कुल भी मत उतारिएगा, क्योंकि छिलके में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो छिलका बिल्कुल मत उतारिएगा। हम इसको ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो ये अभी भून चुके हैं, तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर रही हूँ और थोड़ा सा जीरा मैं इसमें डाल रही हूँ। और जीरा भी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाए। तवा अभी भी गर्म है तो जीरा अच्छे से हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा अच्छे से। और इसको फिर हमें है ना अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो ये सिंगदाना अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो मैंने अभी इसको बारीक करना है। और ढेर सारा लहसुन डालना है इसमें और साथ ही डालने हैं मसाले। मसाले मतलब सिर्फ नमक डालना है स्वाद अनुसार। और लाल मिर्च का पाउडर डालना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा तीखा पसंद करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर डाला है यहाँ पे। आप चाहे तो लाल मिर्च के पाउडर की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। अब इसको मैं बारीक पीस लूँगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने बारीक कर ली है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी है, थोड़ी सी हमें दरदरी ही पीसनी है। डोसे के साथ, पराठे के साथ या फिर सिंपल सी खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर बना के ट्राई करें। आज के डिनर में मैं थोड़ा सा अलग कुछ बना रही हूँ और पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पता नहीं ये बनेगा कि भी नहीं अच्छे से। एक्चुअली मेरे पास ना ये दाल थी बहुत दिनों से, मटकी की दाल छिलके वाली, तो ये बहुत दिन से ऐसी ही पड़ी थी, तो मुझे इसका कुछ ना कुछ बनाना था। और ये मटकी की दाल ऐसे ही बनाती तो कोई नहीं खाता, इसलिए मैं इसको आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सबको खिला रही हूँ। तो देखिए मैंने इसका क्या बनाया। ये मटकी की दाल थी छिलके वाली, तो इसको मैंने सुबह ही भिगो कर रख दिया था। और उसके बाद अभी मैंने इसको पीस लिया मिक्सी में, और पीसते वक्त ही मैंने इसमें लहसुन, हरी मिर्च और नमक डाल दिया था। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैं इसका डोसा टाइप कुछ बना रही हूँ, पता नहीं बनेगा कि नहीं, पहली बार ही बना रही हूँ। तो मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है। मेरा डोसा तवा एक्चुअली थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मैंने ये नॉनस्टिक वाला पैन लिया है यहाँ पे। इसका इस्तेमाल मैं करके देखती हूँ आज। तो इसको मैंने अच्छे से पहले गरम कर लिया और अभी इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल। पहले थोड़ा सा आँच को तेज़ कर देती हूँ ताकि ऑयल थोड़ा अच्छे से गरम हो जाए।
और अभी कम कर दिया है गैस, और देखते हैं अभी बनेगा कि नहीं। तो इसमें यहाँ पे मैंने बस 2 चम्मच इसमें डाला है और फैला लिया है। ये देखो इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है डोसे की तरह, और अभी इस पर ढक्कन रख दूंगी मैं, देखते हैं बनता है। मैंने ढक्कन लगा के यहाँ पे रख दिया है थोड़ी देर, और 2 मिनट उसको अच्छे से होने दो, और तभी वो अच्छे से निकल पाएगा, नहीं तो चिपक जाएगा तवे पे। क्या कर रहे हो दीदी? और बच्चे देख रहे हैं कार्टून। और अभी 8 बज रहे हैं, और ये पीछे देखो ये पर्दे है ना, बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ इसको है ना काट के इसी साइज ये खिड़की के साइज़ का कर दूँ, पर वो रह ही गया, तो इसको मैं ऐसे ही बांध के रख देती हूँ ऊपर टांग के कभी ना कभी करूँगी। और कल से हमारे यहाँ सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहने वाली है, नहीं तो अब तक सिर्फ 4 बजे तक ही था टाइमिंग। और रात में है ना मैं ज़्यादातर वीडियो बनाती नहीं, क्योंकि देखिए आप खुद ही देखिए वीडियो क्लियर ही नहीं आता, इसलिए मैं रात में कभी कभार ही वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मुझे मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करना पड़ता है आप सभी के साथ। और आज मैंने बहुत सारा गार्डन का काम किया, क्योंकि मच्छर बहुत बढ़ने लगे थे, तो इसलिए जितने भी जो भी पौधे बहुत ज़्यादा फैल गए थे तो उनको काट छाट कर छोटा कर दिया, और अभी अच्छे से मैंने खुला खुला कर दिया पूरा, ताकि कहीं भी पानी जमा ना हो और मच्छर ना हो इसलिए। तो ये देखो कुछ इस तरह से हो गया है, और पहले धीरे धीरे हमें इसको निकाल लेना है, नहीं तो टूट जाएगा। अब इसको हम पलट देंगे। तो ये देखो अभी मैंने इसको पलट दिया है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो एक ही बात का ध्यान रखें, तेल अच्छे से पूरी तरह से फैलाए, और इसको है ना ढक्कन लगा के अच्छे से पहले होने दें, तभी ये अच्छे से निकल आता है, नहीं तो चिपक जाता है। तो बस ये हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखो यही है आज का हमारा डिनर, समथिंग डिफरेंट। ये पीनट गार्लिक की चटनी, और ये मटकी की दाल का डोसा, हेल्दी एंड टेस्टी, ज़रूर ट्राई करना। देखो कितनी आसानी से निकल रहा है, ना तो इसमें मैंने बेसन डाला और ना ही आटा, फिर भी देखो कितना अच्छा बना है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगा। पूरे पिलो कवर तुमको ही धोने पड़ेंगे। क्या करना है? ये क्या बनाया है? पर फ्रेम फ्रेम है। और इसके इसमें क्या फोटो चिपकाएंगे? हाँ। ये क्या धागे धागे है पूरे? हाँ ठीक है, तो यहीं पे लगा लेंगे ना, दो ये ठोक देंगे यहाँ पे कील। हाँ। और लगा देंगे। अभी यहाँ पे क्या ड्राइंग निकालेगी तू? नहीं। फिर क्या करेगी? पहले ये तो लगा लो। हाँ वो तो मैं लगा के दूंगी, फिर बनाऊंगी। अच्छा क्या क्या ड्राइंग निकाले, बाप रे।
ये देखो ये कहाँ लेके जा रहा है, फेंक इधर, तुझे मारती हूँ फिर। मोबाइल गिर गया ना, तुझे बहुत पीटूंगी।